सऊदी कंट्री है उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ की सजा होती है वो इंडिया की सजा होनी चाहिए। रेपिस्ट की सजा क्या होनी चाहिए? सऊदी अरब की तरह एक सजा होनी चाहिए उसको। यहाँ पर सजाए मौत होनी चाहिए, जैसे अरब में होती है वैसे यहाँ भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए ये चीज। ऐसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, उनका तो यही सजा है कि सजाए मौत हो उन्हें। जी मौत की सजा होनी चाहिए जो सऊदी अरब में है। की सजा तो मौत ही होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही उसे मार देना चाहिए। अगर पुलिस पकड़े या कोई भी 3 दिन के अंदर उसे मार देना चाहिए। ये लूट मार जो हो रहा है जैसे सऊदी अरब में नहीं है, यहाँ भी वैसे कानून होना चाहिए। जैसा सऊदी अरब में कानून बनाया गया सेम उसी तरह कानून हमारे इंडिया में ही लागू करनी चाहिए। इंडिया में एक बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, यहाँ तक कि किसी भी औरत को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है कहीं पे भी, किसी भी मोड़ पे कोई भी औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। बाहर का कानून होना चाहिए जिसके लिए सऊदी अरब की तरह जैसे सजाए मौत होनी चाहिए, खुले आम उनको फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। मैडम जैसे अभी पूरे देश भर में जो रेप को लेकर घटनाएं घट रही है, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी देश की सरकार को एक ऐसा कानून लागू करना चाहिए कि जैसे सऊदी अरब का कानून है कि वह तत्काल 3 दिनों के अंदर मौत की सजा सरेआम आम जनता के बीच दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो भी नियम कायदे कानून हमारे देश में लागू होंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में से इसी घटना को जो अंजाम देता है वो उसकी रूह कांप उठेंगी, और शायद इस घटना को अंजाम देने से पहले वो इस बात में सोचेगा कि यार मेरा अंजाम क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज नॉट बीइंग गवर्न्ड बाय शरिया। If it would have been governed by Sharia, there would be no rapes, feticide, triple talaq, corruption, lynchings, murders, riots, etc. Look at Saudi Arabia. They don't have all Nirbhayas and Gita. Yeah. Yeah. Punish every rapist and murderer with capital punishment. Every rapist should be hanged. That's the bottom line. Gurmitra, them only have the torturous punishment. Every Indian government should be protected. To be very frank and honest, no man-made law has ever assured security to any woman in any part of the world. Millions and millions of Hindu daughters are dying in our nation due to feticide. Rapes are taking place in mandirs and ashrams. Why? Law is there, but man-made law, no reserve. Let us have the God-sent law like that of Saudi Arabia. Reform then of law, the assurance will be there for the security Mr. for Sharifuddin, every daughter what kind of India. An this new India which we are having today, unfortunately, is full of rapes, dowry deaths, feticide, murders, lynchings and so on. So we want to say that let us make a new India where the life, modesty and wealth should be secure. We should have security of all these things, and that is possible. We are not discussing women's safety here. By Sudhashu Trivedi of BJP.